चलो जी कैंपिंग जिंदाबाद। गाइज हम एक बार फिर आपको रुद्रप्रयाग ले आए हैं। आई लव रुद्रप्रयाग, बहुत ही बेहतरीन जगह है। जो भी लोग केदारनाथ यात्रा पर जाते हैं तो रुद्रप्रयाग में भी अपना रुककर दर्शन कर सकते हैं। ये मैं आपको अभी ऊपर से दिखा रहा हूँ और ये देखिए, हाँ काफ़ी घना और बसा हुआ है। थोड़ी सी धुंध होने की वजह से आपको कुछ दिख नहीं रहा है। और हमने गाइस बेहतरीन भैया चलो कहाँ जा रहे भाई साहब घूमने? रुद्रप्रयाग। आई लव रुद्रप्रयाग। ये लोकल रुद्रप्रयाग वाले ये जय बोले की बोलो केदारनाथ महाराज की जय। मेरी बना ले आईफोन में यहाँ से एंड्रॉइड है बट गाइज हम आपको अब रुद्रप्रयाग से देवप्रयाग ले चलते हैं। वहाँ एक छोटा सा ट्रैक है जो हम करेंगे, बताते हैं मेरे काफ़ी फ्रेंड की बहुत खूबसूरत ट्रैक है और वो बिना करे हम लोग वापस नहीं जाएंगे। तो मिलते हैं उस छोटे से ट्रैक पर, तब तक बने रहिए आप हमारे साथ। गाइज अगर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ एक पहाड़ जो है बहुत खतरनाक रूप से टूट के गिर गया है। आप लोगों को पता होगा कि अभी हम लास्ट टाइम यहाँ से गए थे तो बिल्कुल सही था और अभी हालत ये हो गई है कि यहाँ जाम की स्थिति हो गई है। पहाड़ जो है बहुत तेजी से भड़बड़ा कर नीचे गिर गया है तो जाम बहुत ज़्यादा लगा हुआ है और पुलिस वाले थोड़ा निकलवाने की कोशिश कर रहे हैं, पर कुछ खराब लोग जो होते हैं जैसे ये UK04PA1388 लाइन तोड़कर आगे निकल गया है, उसकी वजह से थोड़ा सा ट्रैफिक फंस गया है। लोग मानते नहीं है, मतलब पता नहीं इनको क्या जल्दी होती है और क्यों ये बदतमीजी करते हैं। देखिए मैंने उस बदतमीज को थोड़ा सा सबक सिखाया और जबरदस्ती हॉर्न बजाकर मैंने निकलने की कोशिश करी। मतलब पता नहीं एक मिनट के अंदर क्या ये लोगों को हो जाता है, इतने ज़्यादा बदतमीज हैं ये ट्रेवल गाड़ी वाले जिसका मैंने नंबर बोला था। और मैंने नंबर जानबूझ के बोला है जिससे मैं अपने घर जाके इसके खिलाफ कार्रवाई कर सकूँ। गाइस बहुत सुंदर सफ़र रहा, थकान हो गई, करीबन 9 घंटे से चल रहे हैं और आंखों का बहुत बुरा हाल है, खुल नहीं पा रही है। बस थोड़ा सा और हमें करीबन 20 किलोमीटर और जाना है और रास्ता अति सुंदर है। तो आज रात की जो कैंपिंग है, कैंपिंग साइट पहुंचने के बाद पता चलेगा कि कैंपिंग साइट कितनी अच्छी है या ख़राब है या कैसी है। और अगर अच्छी होती है तो आपको अपडेट कराएंगे और वहाँ के बारे में आपको सुंदर सुंदर नज़ारों से अवगत कराएंगे। गुड मॉर्निंग गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग अभी केदारनाथ यात्रा से वापस आ रहे हैं और हम लोग दिल्ली की ओर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, जिसमें हमने ट्रैकिंग, रोड ट्रिप्स, कैंपिंग आदि की और अच्छे खूबसूरत नज़ारों के साथ आपके साथ हम बने रहें।
तो आज की सुबह जो है हम यात्रा के लिए तैयार हैं और बस कपड़े चेंज करके थोड़ा सा कुछ हल्का फुल्का खा के यहाँ से निकलते हैं और आपको रास्ते में मिलते हैं। जो भी खूबसूरत नज़ारे आएंगे उनसे आपको अवगत कराते रहेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ मेरी नज़रों से और इस सृष्टि के खूबसूरत नज़ारों का आनंद लीजिए। एक बार फिर उसी फार्म हाउस से जहाँ से आपको खूबसूरत दुनिया के नज़ारे में दिखाता हूँ। आज रात को हमने यहीं स्टे किया था और हमारे अनुपम जी सुबह अपने गार्डन को निहारते हुए उस खूबसूरती का लुत्फ़ उठाते हुए, और आप भी इस खूबसूरती का लुत्फ उठा सकते हैं। देखिए कितने सुंदर पपीते हैं, जो पिछली बार मैंने आपको दिखाए थे जो पक गए थे वो सब हमने पूरी यात्रा में अपना सुबह का नाश्ते में यूज कर लिए, और अभी हमें फिर इंतज़ार है कि ये पकेंगे हफ्ते से 10 दिन के अंदर, और मौका मिलेगा तो फिर आपको इन टेस्टी और स्वादिष्ट पपीतों का नाश्ता कराएंगे। अमरूद भी तैयार हो गए हैं, पर कल अमरूद जो है हमारे कुछ शैतान बच्चे जो पड़ोसी थे उन्होंने उन पर हमला बोल दिया और पूरे अमरूद खा गए। देखिए कितना प्यारा चिड़ियों का घरौंदा है। देखो गाइस ये देखो ये हत्ते निकल हमारे सर। हाँ देखिए अब कोपल कोपल रह गई है, और हाँ देखिए ये छुप गए थे और बच्चों की नज़र में नहीं आए, तो ये 4 अमरूद बच गए। इनके हम पकने का इंतजार करेंगे और अगली बार आए तो आप लोगों को इस बाकी स्वादिष्ट अमरूदों को आपको खिलाएंगे और हम खाएंगे। तो सुबह के नाश्ता करने के लिए आप तैयार हो जाएं अगली बार के लिए। गाइस पिछली बार जो फ्लोवर थोड़े से कम थे, देखिए इस बार और केवल 8 से 10 दिन के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। और जो कि हम लोगों के यहाँ कितनी गर्मी है, पहाड़ों की जो नम हवाएं होती हैं वो खूबसूरती में और 4 चांद लगा देती हैं। 5 चांद लगा दिए हैं सर, मैंने तो 4 चांद सुना था तो मैंने 4 चांद ही बता दिए। मजाक में कह रहे हैं 4-5। देखिए कितने प्यारे प्यारे खूबसूरत नज़ारे हैं। तो गाइस हम लोग नहा धो के फ्रेश हो गए हैं और एक एक चाय भी पी लिए नाश्ते के लिए। दोस्तों एक नंबर के झूठ, क्योंकि अभी नहाए नहीं है, क्योंकि हाथ मुंह धोए बाकी नहाए नहीं है, जब से ही गा रहे हैं टीवी देखने पे है। चलिए आप भाई की बात मानते हैं मेरी बात मानते हैं, ये आपके ऊपर है। और हमारे मोस्ट सीनियर फ्रेंड कह लो, दोस्त कह लो, गुरु कह लो, और यहाँ देखिए नाश्ते की तैयारी चल रही है। छोटे छोटे इनके ऑर्गेनिक आलू कट रहे हैं। मतलब ब्रेकिंग न्यूज है, हमारे जो अभी बोल रहा था ना कि नहाई नहीं है, वो दुष्ट आदमी ने इसमें एक केमिकल डाल दिया है। ये रंग का फर्क है, ये कलर। हाँ देखो साफ दिखाई दे रहा है, मतलब इनने हमारे से चीटिंग करी है। ये ऑर्गेनिक है और ये नॉन ऑर्गेनिक यानी जहर वाले हैं ये वाले, देखिए। और धोखा कर दिया इसने हमारे साथ। टमाटर अपने ऑर्गेनिक के अपने ही खेत के हैं। बाकी देखिए कितने टेस्टी यहाँ पर राजमा है। भाभी जी ये क्या चीज है? अच्छा छोले काले, कंफ्यूज मत करो। हाँ और देखिए ये टेस्टी हलवा बना हुआ है। सर मैं अपने घर पे नहीं हूँ, मैं आपको बता चुका हूँ मैं टूर पे निकला हुआ हूँ 9-10 दिन से। तो ये हम जहाँ नाइट स्टे किया था और ये जगह मैं आपको बहुत बार दिखा भी चुका हूँ। अगर आपको ये जगह और किचन पसंद आती हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। कोशिश करूँगा इनकी कॉपी पेस्ट मारने की। आपसे मैंने पिछली बार पूछा था कि क्या मुझे पहाड़ों पर आके अपना सुंदर सा घर बनाना चाहिए, अगर बनाना चाहिए तो प्लीज कमेंट्स में ज़रूर बताएं। गाइस ये छोटा सा जिम है जो हमारे फ्रेंड है उनके बेटे का, और ये देखिए कितने हैवी डंपर डले हुए हैं, मतलब बहुत मेहनत करते हैं, लगभग 8 से 9 किलोमीटर की दौड़ भी लगाते हैं और अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं। हमने अपनी अगली मंजिल की ओर यात्रा स्टार्ट कर दी है, और मैं सुबह जहाँ रुका हुआ था वहाँ चाय नाश्ता करने के बाद
गाइस ये जो रास्ता है आप देखें कितना खूबसूरत, कितनी शांति है। टोटल फॉरेस्ट एरिया है, दिन में कोई मतलब दिक्कत नहीं है, पर रात के टाइम बहुत खतरनाक जगह है। और ये मसूरी से जब एयरपोर्ट देहरादून आते हैं तो बीच में ये रोड पड़ता है, एयरपोर्ट से करीबन 4 किलोमीटर पहले मैं चल रहा हूँ। तो आप देखिए इस खूबसूरती नज़ारे के साथ कितना प्यारा नज़ारा है। और यहाँ से हम लोग ऋषिकेश से हरिद्वार भी जा सकते हैं। तो मैं अभी आपको जो है हरिद्वार की साइड ले जा रहा हूँ। अगर हम लेफ्ट हैंड पर मुड़ जाते हैं तो एयरपोर्ट से हम हरिद्वार जाते हैं।